विश्व कप 2019 में नहीं नजर आएंगे ये पांच खिलाड़ी। टीम चयन से मिल गया इशारा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के अंतिम तीन मैच के लिए भारतीय टीम का चयन गुरुवार को हुआ। टीम में सिर्फ दो बदलाव किए गए। चोटिल शार्दुल ठाकुर की जगह भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी के स्थान पर जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह मिली। अजिंक्य रहाणे टेस्ट टीम के अहम सदस्य रहे। अजिंक्य रहाणे लंबे वक्त से वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। मौजूदा फॉर्म देखकर विश्व कप तक उनकी वापसी मुश्किल ही नजर आ रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 17 तो दिल्ली के खिलाफ महज 10 रन ही बनाए। इसके बाद देवधर ट्रॉफी में भी उनका बला अब तक खामोश ही रहा। इंडियासी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने बीके खिलाफ 32 तो ए के विरुद्ध 14 रन ही बनाए। सुरेश रैना 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने वाले सुरेश रैना जितने मौके भारतीय क्रिकेट में शायद ही किसी दूसरे खिलाड़ी को मिले होंगे। बावजूद इसके अब तक वे टीम में अपनी जगह पक्की करने में नाकामयाब रहे। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मुका दिया, मगर वे इसे भी नहीं भुना पाए। न तो विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए उन्होंने कोई कमाल दिखाया और न ही देवधर ट्रॉफी में वे इंडिया सी की ओर से खेलते हुए किसी को प्रभावित कर पाए। रविचंद्रन अश्विन युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव जैसे युवा स्पिनर्स के शानदार प्रदर्शन के चलते रविवार अश्विन अब केवल टेस्ट स्पिनर ही बनकर रह चुके हैं। पिछले साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेलने वाले अश्विन का विश्व कप में चयन भी मुश्किल ही लगता है। टीम मैनेजमेंट भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार कर रहा है। हालिया प्रदर्शन पर नजर डाले तो देवधर ट्रॉफी में इंडिया ए की ओर अश्विन कोई कमाल भी नहीं दिखा पाए थे। ऐसे में 32 वर्षीय इस खिलाड़ी के लिए वनडे टीम में वापसी दूर की कौड़ी ही साबित हो रही है। युवराज सिंह भारतीय टीम को 2011 विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह आज टीम में वापसी को तरस रहे हैं। वैसे तो भारतीय टीम अब तक चौथे और छठे क्रम के बल्लेबाज की तलाश में जुटा ही हुआ है। बावजूद इसके युवराज सिंह इस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। विजय हजारे ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन इसका गवाह है कि पंजाब के इस शेर की दहाड़ में न तो अब वो बात रही और न ही गेंदबाजों का शिकार करने की क्षमता। केदार जाधव धुआंधार बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले केदार जाधव को टीम मैनेजमेंट विश्व कप 2019 के लिए तैयार कर रहा था। छठे क्रम में तेज बल्लेबाजी की क्षमता और स्पिन गेंदबाजी कर विकेट निकाल पाने की उनकी क्षमता ही चयनकर्ताओं को आकर्षित कर रही थी, लेकिन उनकी चोट ही विश्व कप में उनके चयन के पीछे सबसे बड़ा रोड़ा होगी। IPL में हैमस्ट्रिंग खींचने के वजह से बाहर हुए जाधव एशिया कप में भी इसी चोट से जूझते नजर आए। 6 महीने के भीतर दोबारा वही परेशानी उठना साबित करती है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए उन पर दाम लगाना जोखिम मोल लेने से कम नहीं।